दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं प्रोफाइल के जो पल्ले होते हैं किचन प्रोफाइल के, या फिर जो कि आपकी वार्डरोब के जो पल्ले आजकल जो एल्युमिनियम के जो डोर्स चल रहे हैं, प्रोफाइल के जो डोर्स चल रहे हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये एक डोर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल डोर है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, एक मिनट के अंदर मैं सिखा दूंगा आपको किस तरीके से इसको 45 डिग्री में जॉइंट करना है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है इसको जोड़ने में जो नया काम करते हैं, मगर इसमें कुछ नहीं है। आपको देखने में लगेगा बहुत बड़ा काम है मगर आप इसको एक मिनट में बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप किचन प्रोफाइल है या कैबिनेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में जो हम पल्ले आजकल जो डोर लगाते हैं एल्युमिनियम डोर लगाते हैं यानी कि प्रोफाइल डोर लगाते हैं, और इस प्रोफाइल की अगर साइज़ की बात करूँ 45 mm की ये प्रोफाइल होती है, और इसमें जो कि आपको अलग अलग तरीके के एनोडाइजिंग कलर्स मिल जाते हैं। अब बात आती है इसको जोड़ने की, किस तरीके से जोड़ा जाता है, क्योंकि क्या है सबसे ज़्यादा झंझट इसको जोड़ने में ही होता है। लोग इसको जल्दी से जोड़ नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं जोड़ने से। तो अगर प्रोफाइल की बात करें, जैसा कि अभी प्रोफाइल देख रहे हैं, तो इसको 45 डिग्री में ही हमेशा जोड़ा जाता है। ग्लास शटरिंग बनाई जाती है, आपको अलग अलग कंपनी में इसकी प्रोफाइल मिल जाएंगी। प्रोफाइल की अगर बात करें तो 10 फीट की इसकी प्रोफाइल आपको मिल जाती है, हैटिक में मिल जाती है, लोकल सेक्शंस में भी मिल जाती है। अभी जो मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ ये लोकल सेक्शन है, मगर इसकी जो फिनिशिंग है बिल्कुल हैटिक की तरह ये दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इसका एक फर्मा मैंने आपको दिखाई, ये फर्मा देख सकते हैं। तो फर्मे की अगर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 इंची का ये फर्मा है। तो फर्मा बना लेंगे, और एंगल की अगर बात करूँ 1938 की ये एंगल है जिस पर ये फर्मा बनाया गया है। अभी यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर 1.5 इंची की चौड़ाई होती है, जो 1.5 इंची अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। होल कितने गैप पे करना है तो वो मैंने इससे जो कि पूरे में आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो होल का जो साइज है कितना रखना है आपको और कहाँ पर होल करना है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ज़्यादातर क्या होता है, देखिए लोग इसके साइज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग इसके होल कर देते हैं जहाँ पर ये 45 डिग्री में नहीं जुड़ पाता और इसकी कलम सही से नहीं मिल पाती। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है, आप इसका फर्मा बना लें, और फर्मा बनाने के बाद आप इसको होल कर सकते हैं। अभी मैं इसको लगाकर भी आपको दिखाऊंगा सेक्शन पे किस तरीके से इसको होल किया जाता है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगाकर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको लगाया जाता है। यहाँ पर अभी ये सेक्शन हमने हाथ में ले लिया है, यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लेंगे और इसके बाद इसमें होल कर लेंगे। तो क्या है, जो आपकी जो इसकी जो एल आती है यानी कि इसको जोड़ने के लिए जो ब्रैकेट्स आते हैं उसमें बिल्कुल सेट ये होल बैठेगा। आपको थोड़ा सा जहाँ पर ये होल दिख रहा है इससे थोड़ा सा इधर की तरफ जहाँ पर ये चेन लगाया हुआ है, तो वहाँ की तरफ आपको इसमें होल करना है। होल करने के बाद जब इसको जोड़ेंगे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेस्ट चीज़ क्या होती है, देखिए आपकी मशीन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए 45 डिग्री में, जो मशीन अच्छा काम करती हो। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से इसको जोड़ा हुआ है, अब यहाँ पर इसकी कलम भी देख सकते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। अगर प्रोफाइल के पल्ले की बात करें तो लगभग 850-850 रुपये स्क्वायर फीट इस पल्ले को बनाया जाता है, क्योंकि ये सेक्शन जो होता है, ये प्रोफाइल जो होती है थोड़ी कॉस्टली होती है। आप इसमें 5 mm ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 mm के ग्लास का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टफंड ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ग्लास का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसको एक सेक्शन को मैं आपको जोड़कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट लगा दिया है, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अब मैं इसको कस लेता हूँ। यहाँ पर अब एक पेच उठाते हैं, अब इसमें आप जो है इसके जो ब्रैकेट आते हैं उनके साथ एडिशनल स्क्रूज़ आते हैं, जो कि इनके स्क्रूज़ अलग होते हैं। अभी यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 45 डिग्री में कितना बेस्ट इसको जोड़ा जाता है। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, एक मिनट का काम है, 5 मिनट में आप इसको एंगल को बना लेंगे और 1 मिनट के अंदर इस सेक्शन को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर इसको भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा मकसद कि आपको इसमें दिखा दूं कि किस तरीके से इस सेक्शन को जोड़ा जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर प्रोफाइल की बात करें तो 45 डिग्री में इसको बनाया जाता है, और साइज़ की अगर बात करें तो 45 mm की ये सीरीज होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।